नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। पटनावासी हो या दूसरे राज्य में बसे बिहारी, जब भी बिहार लौटते हैं तो भारी संख्या में लोग पटना जंक्शन या पटना स्टेशन पर उतरते हैं। वहीं बस के माध्यम से आने वाले लोग बैरिया बस स्टैंड पर उतरते हैं या वहां से अपने गंतव्य के लिए बस पकड़ने का काम करते हैं, जिसके तहत बिहार और खासकर की राजधानी पटना वासियों की पूरी निर्भरता बैरिया बस स्टैंड पर हो जाती है, जिसके कारण ही हर शाम महाजाम का सामना आसपास के लोग करते हैं। इतना ही नहीं, इस बस स्टैंड तक पहुंचने के लिए लोगों को काफी मशक्कत का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि जल्द ही बिहार की राजधानी पटना का दूसरा अंतरराज्यीय बस स्टैंड बनकर तैयार होने वाला है, जिसकी चर्चा बीते कई दिनों से हो रही थी। लेकिन अब यह हकीकत में बदलने वाला है, क्योंकि अब इस बस स्टैंड के निर्माण को लेकर बिहार सरकार ने बीते दिन आयोजित हुए कैबिनेट की बैठक में मुहर लगा दी है। मिली जानकारी के अनुसार इस नवनिर्मित बस स्टैंड का नाम पाटली बस स्टैंड होने वाला है। इसके लिए 50 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए 217.46 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। नए बस स्टैंड के लिए पिछले दिनों सीएम नीतीश कुमार ने स्थल निरीक्षण का काम पूरा किया था और मौखिक रूप से नया बस स्टैंड बनाए जाने को लेकर सहमति दी थी। वहीं हाल ही में सीएम नीतीश ने भी इस बस स्टैंड का निरीक्षण किया था। अब सवाल यह है कि पटना के दूसरे बस स्टैंड का निर्माण कन्हौली में ही करने का निर्णय क्यों लिया गया? तो हम आपको बता दें कि प्रस्तावित रिंग रोड की सीधी कनेक्टिविटी कन्हौली में है, यही कारण है कि इस बस स्टैंड के निर्माण का फैसला यहीं पर लिया गया है। इस नए बस स्टैंड से आरा, सासाराम, बक्सर, भभुआ, छपरा, सिवान, गोपालगंज, अरवल, औरंगाबाद समेत बिहार बॉर्डर से सटे उत्तर प्रदेश के बनारस, गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़ समेत कई शहरों के लिए बसें खुल जाएंगी। प्रस्तावित जगह की बात करें तो यह बिहटा सरमेरा रोड से भी जुड़ा हुआ है। कन्हौली से शेरपुर होते हुए छपरा की तरफ जाने के लिए शेरपुर दिघवारा महासेतु बन रहा है। ऐसे में इस जगह पर शेरपुर दिघवारा पुल से भी कनेक्टिविटी हो जाएगी। वहीं पटना शहरवासियों की बात करें तो शहरवासी पटना में सगुना मोड़ से कन्हौली बस स्टैंड की प्रस्तावित स्थल की दूरी 17.5 किलोमीटर की है। इस रास्ते पटना के शहरी क्षेत्र से लोग कन्हौली बस स्टैंड तक पहुंचने वाले हैं। इस बस स्टैंड के बनने से जमीन के भाव भी आसमान छूने लगेंगे, क्योंकि दानापुर स्टेशन खगौल में है। यहां से शिवाला मोड़ नेवरा होकर बिहटा की तरफ आगे बढ़ते ही आपको सदीसोपुर स्टेशन के सामने कन्हौली मिलेगा। अभी यहां जमीन दूर दूर तक खाली है। आलम कुछ यूं है कि यहां के लोग 30 लाख रुपए कट्ठे में जमीन बेच रहे हैं। जानकारों की माने तो समय के साथ यहां के जमींदारी राजा बन जाएंगे। वहीं बात अगर हम इस नवनिर्मित बस स्टैंड की करें तो इसके आसपास फिलहाल 3 रेलवे स्टेशन है। दानापुर के अलावा नेवरा और सदीसोपुर इसके आसपास है, जिससे यात्रियों की संख्या यहां बहुत देखने को मिलती है। वर्तमान समय की बात करें तो खगौल बिहटा रोड पर शादी ब्याह के सीजन में और परीक्षाओं में जाम देखने को मिलता है। अभी स्टैंड बनने में समय है, लेकिन अभी पटना से जाने वालों को यह झेलना पड़ता है। अभी यह 2 लेन रोड है, जिसे बक्सर पटना 4 लेन में सड़क बदला जा रहा है। दानापुर स्टेशन से सगुना मोड़ की सड़क पहले से ही 8 लेन बनाई जा रही है, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि परेशानी नहीं होगी। उम्मीद तो यह भी है कि चूंकि यह बस स्टैंड सरमेरा बिहटा रोड के बिहटा छोर पर बनेगी, इसलिए मोकामा या नालंदा की तरफ से आने वाली कुछ गाड़ियां भी इस नए बस स्टैंड के लिए चलना चाहेगी। इससे नालंदा की कन्हौली शाहबाद होकर यूपी से कनेक्टिविटी का रास्ता भी साफ होगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।